रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है तो मॉड जेड इज इक्वल टू बी आर क्या है, ये इक्वेशन ऑफ सर्किल है जिसका सेंटर ओरिजिन है, तो जिसको हमने पोलर फॉर्म में लिखा था। अब यहाँ पे इसी चीज को अब उसमें लिखा है कि मॉड जेड माइनस ए इज इक्वल टू आर, जहां पे ए क्या है आपका सेंटर है, रेडियस आर है। अब ये हो जाएगा जब इसको उसमें रखेंगे तो जेड माइनस ए इज इक्वल टू आर ई की पावर आई थीटा, तो जेड माइनस ए इज इक्वल टू दी आर ई की पावर आई थीटा। अब उसी चीज को हमने यहाँ पे लिखा है कि यहाँ पे क्लोज इंटीग्रल सी क्या है, ये पूरा एक सर्किल है, क्लोज हो गया 0 से लेके 2 पाई तक, तो वही आपका हो गया 0 से 2 पाई। और हमने यहाँ पे डी जेड की वैल्यू निकाली है, डी जेड की वैल्यू निकाली है तो ये हो गया आई आर ई की पावर आई थीटा डी थीटा। और जेड माइनस ए क्या है आपका, जेड माइनस ए है आर ई की पावर आई थीटा, तो इस तरीके से आपका 2 पाई आई आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन समझ में आया बेटा? यस सर सर। ठीक है सर। नहीं समझ में आया तो फिर बताए, फिर बता दें, लेकिन है आसान। मैं फिर बता रहा हूं, इसमें ये जो आपका, फिर से मैं बता रहा हूं एक बार और बता रहा हूं कि जैसे आपका इक्वेशन ऑफ सर्किल क्या होती है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू दी आर स्क्वायर होता है, यानी आर इज इक्वल टू दी अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो उसी चीज को हम बता रहे हैं कि जब हम यहाँ पे जेड क्या होता है एक्स प्लस आई वाई, तो मॉड जेड क्या हो जाएगा अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, उसके प्लेस पे हमने आर लिख दिया, तो मॉड जेड इज इक्वल टू दी आर, ये आपकी इक्वेशन ऑफ सर्किल हो गई जिसका सेंटर ओरिजिन है। तो हम देखिए नीचे हमने लिखा भी है मॉड जेड माइनस जीरो इज इक्वल टू दी आर, और इसको जब पोलर फॉर्म में चेंज करेंगे तो जेड इज इक्वल टू दी आर ई की पावर आई थीटा, ये पीछे हमने चेंज किया है आप उसे देख लीजिएगा। तो अब यहाँ पे जब सेंटर अगर ए है तो मॉड जेड माइनस ए इज इक्वल टू दी आर हो जाएगा, इसका पोलर फॉर्म में जेड माइनस ए इज इक्वल टू दी आर ई की पावर आई थीटा होगा, तो उसी चीज को हमने यहाँ पे लिखा है। अब एक दूसरी थ्योरम है, दूसरी थ्योरम क्या है, कॉची इंटीग्रल थ्योरम। ये थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिएगा इसको। कॉची इंटीग्रल थ्योरम में क्या है कि इफ एफ जेड इज एन एनालिटिक फंक्शन, आपको हम बता चुके हैं एनालिटिक के बारे में कि अगर कोई भी फंक्शन एनालिटिक है इसका मतलब वो कंटिन्यूअस भी है, डिफरेंशिएबल भी है और सी आर इक्वेशन भी सेटिस्फाई होती है। सी आर इक्वेशन क्या होती है, डेल यू बाय डेल एक्स इज इक्वल टू दी डेल वी बाय डेल वाई, और डेल यू बाय डेल वाई इज इक्वल टू दी माइनस डेल वी बाय डेल एक्स, ये सी आर इक्वेशन होती है। ठीक है, तो यहाँ इन्होंने कहा है कि एक इफ एफ जेड इज एन एनालिटिक फंक्शन एंड एफ डैश जेड इज कंटिन्यूअस एट ईच पॉइंट विद इन एंड ऑन अ सिंपल क्लोज कर्व सी, देन क्लोज कर्व सी एफ जेड डी जेड इज इक्वल टू जीरो। कॉची इंटीग्रल थ्योरम का ये कहना है कि अगर कोई भी क्लोज कर्व है तो अगर उसका एफ जेड एनालिटिक फंक्शन है और एफ डैश जेड कंटिन्यूअस है उसके हर एक पॉइंट पे, यानी अंदर भी और क्लोज कर्व सी के ऊपर भी, हर जगह आपका कंटिन्यूअस है और एनालिटिक है, तब इसका ये कंडीशन है क्या है, क्लोज इंटीग्रल सी एफ जेड डी जेड इज इक्वल टू जीरो। अब इसी चीज को हम प्रूव कर रहे हैं, लिखेंगे लेट आर बी द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व सी, तो क्लोज कर्व सी है जिसका आर रीजन आर है अंदर है, तो लेट एफ जेड क्या होता है, एफ जेड होता है
भाई जेड होता है एक्स प्लस आई वाई, तो उसकी इमेज जो बनती है एफ जेड वो होती है आपकी यू यू प्लस प्लस आई आई वी, वी और यू और एक्स वाई के एक्स वाई फंक्शन होते हैं। तो अब जो सारे मतलब स्ट्रिंग क्लोज शेयर इंटीग्रल, नहीं हो हाँ रही, सारे स्क्रीन शेयर नहीं हो रही आपकी स्क्रीन पे हमने शेयर कर दिया है सर। हो रही है, हो सर, रही है हो सर, रही है रही हो है रही है सर, हो रही है सर, हाँ, हो रही है, हो रही सर, स्क्रीन हो रही है, अब हो रही बचिए है सर। मैं समझा रहा हूँ आपको। जी सर, जी सर, तो यहाँ पे एफ जेड क्या है, यू प्लस आई वी है, जहाँ पे यू और वी क्या होते हैं एक्स वाई के फंक्शन होते हैं। तो यहाँ पे हमने काम क्या किया है कि दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दिया है विद रेस्पेक्ट टू डी जेड, विद रेस्पेक्ट टू जेड। तो हो जाएगा क्लोज इंटीग्रल सी एफ जेड डी जेड इज इक्वल टू द यू प्लस आई वी, और डी जेड के प्लेस पे लिख दिया है डी एक्स प्लस आई डी वाई, और डी एक्स प्लस आई डी वाई को अलग अलग हमने ब्रेक कर दिया है। क्या हो गया क्लोज इंटीग्रल सी यू डी एक्स माइनस वी डी वाई, और प्लस आई क्लोज इंटीग्रल सी वी डी एक्स प्लस यू डी वाई, और उसको इक्वेशन नंबर 1 मान लिया है। अब सिंस एफ डैश जेड इज कंटिन्यूअस, अगर एफ डैश जेड कंटिन्यूअस होगा तो इसका मतलब ये है कि डेल यू बाई डेल एक्स, डेल यू बाई डेल वाई, डेल वी बाई डेल एक्स, डेल वी बाई डेल वाई, ये सारे कंटिन्यूअस होंगे। तो वही लिखा है सिंस एफ डैश जेड इज कंटिन्यूअस देन द पार्शियल डेरिवेटिव्स डेल यू बाई डेल एक्स, डेल यू बाई डेल वाई, डेल वी बाई डेल एक्स, डेल वी बाई डेल वाई आर आल्सो कंटिन्यूअस इन आर, तो हेंस बाय ग्रीन थ्योरम। तो ग्रीन थ्योरम देखिए रेड पेन से लिखी भी है, क्लोज इंटीग्रल सी एम डी एक्स प्लस एन डी वाई क्या होता है, डबल इंटीग्रल आर डेल एन बाय डेल एक्स माइनस डेल एन बाय डेल वाई डी एक्स डी वाई। तो हमने काम किया है कि दोनों में ग्रीन थ्योरम अप्लाई कर दिया है। तो अब नाउ एफ जेड बीइंग एनालिटिक एट ईच पॉइंट ऑफ द रीजन आर, इसका मतलब सी आर इक्वेशन होंगी। तो जहां जहां डेल यू बाय डेल एक्स है वहां वहां डेल बी बाय डेल वाई लिखा है, और जहां आपका डेल बी बाय डेल एक्स है वहां पे हमने डेल यू बाय डेल वाई लिखा है। तो इस तरीके से सब कैंसिल होके जीरो आ जाएगा। तो यही हमारा प्रूफ था, इसको देख लीजिए फिर आगे बताएं। मतलब कोई भी क्लोज कर्व सी है अगर वहां पे एनालिटिक फंक्शन है तो उसकी वैल्यू जीरो होती है उस इंटीग्रेशन की। और एनालिटिक फंक्शन का मतलब होता है एग्जिस्टेंस, मतलब एग्जिस्ट करे भाई, कंटिन्यूअस है इसका मतलब एग्जिस्ट है। सर ये टॉपिक वेक्टर कैलकुलस में भी हाँ बेटा था, ये टॉपिक वेक्टर कैलकुलस में था ना, न्यूमेरिकल कैलकुलस, वेक्टर हाँ कैलकुलस, वेक्टर कैलकुलस लाइन इंटीग्रल। नहीं, ये नहीं है। हाँ ये टॉपिक था, ग्रीन थ्योरम ने पढ़ाया था, ग्रीन ग्रीन थ्योरम थ्योरम से पहले था ये, नहीं, ग्रीन थ्योरम वो आप सही कह रहे हैं, लाइन इंटीग्रल था, सही कह रहे हैं आप, लेकिन हमने वहां पे लाइन इंटीग्रल इतना उससे नहीं पढ़ाया था, हमने सिर्फ ग्रीन थ्योरम हल्का सा बता दिया था बस वहां पे। एक्चुअली में सच्चाई ये है, ऑनलाइन में पढ़ाने में मैथमेटिक्स मजा नहीं आता है, बस ये है कि बस आप लोग समझ में आ जाए पास हो जाए, बस यही चल रहा सर फील है। नहीं आता है सर। सर मुझे खुद नहीं क्या करे, मजबूरी है बेटा। तब भी कोशिश करते समझाने की कि जितना पढ़ाए उतना समझ में आ जाएगा। तो ये थ्योरम का प्रूफ समझ में आया, कहीं कोई प्रॉब्लम है तो पूछिए।
सर ये लाइन समझा दीजिए एक बार। इस लाइन में क्या किया गया है कि यहाँ पे जो रेड पेन से लिखा है ये ग्रीन थ्योरम का स्टेटमेंट लिखा है। तो ऊपर देखिए पहले वाले टर्म में एम के प्लेस पे यू है और एम के प्लेस पे माइनस बी है। तो ये है डेल एन बाय डेल एक्स, डेल एन बाय डेल एक्स का मतलब हो गया माइनस डेल बी बाय डेल एक्स, फिर माइनस लगा है, फिर ये हो गया डेल यू बाय डेल एम बाय डेल वाई यानी माइनस डेल बी बाय डेल वाई। दूसरे टर्म में क्या है कि एम के प्लेस पे बी है और एम के प्लेस पे यू है, तो डेल एन बाय डेल एक्स डेल यू बाय डेल एक्स माइनस डेल एम बाय डेल वाई यानी डेल बी बाय डेल वाई, ये काम किया है। फिर डेल यू बाय डेल एक्स के प्लेस पे हमने डेल वी बाय डेल वाई किया सेकेंड टर्म में, तो जीरो हो गया है, और डेल यू बाय डेल वाई के प्लेस पे माइनस डेल वी बाय डेल एक्स किया तो माइनस प्लस हो गया, तो ये जीरो हो गया, तो आ गया जीरो। तो खैर प्रूफ तो अलग चीज है, न्यूमेरिकल में क्या काम करेंगे ये पहले समझिए। इन न्यूमेरिकल में ये होता है कि इसमें अगर एग्जैक्ट एनालिटिक फंक्शन है तभी ये इसका इंटीग्रल जीरो होगा, और एनालिटिक के लिए क्या होता है, एनालिटिक के लिए मैं फिर बता रहा हूँ कंटिन्यूअस होगा, डिफरेंशियबल भी होगा और सीआर इक्वेशन सेटिस्फाई होगी। लेकिन कंटिन्यूअस तो तभी होगा जब कोई वैल्यू एग्जिस्ट करेगी, अगर एग्जिस्टेंस नहीं होगा तो फिर एनालिटिक फंक्शन नहीं होगा। तो सबसे प्रायोरिटी चीज है एग्जिस्टेंस, ये चीज होती है। अब देखिए आगे, अभी इससे पहले एक हमने न्यूमेरिकल कराया था क्लोज इंटीग्रल सी वन अपॉन जेड माइनस ए डी जेड वैल्यू होती 2 पाई आई। अब इसके आगे का देखिए, लिखा है समझिएगा, इस माइकल में है कुछ दम नहीं लेकिन समझना है बस। लिखा है हैंस इवैल्यूएट क्लोज इंटीग्रल सी जेड स्क्वायर प्लस फाइव जेड प्लस सिक्स अपॉन जेड माइनस टू where c is equal to the mod z is equal to the 3 by 2 और दूसरा है mod z is equal to the 3। अब देखिए यहाँ पे आपका क्या है mod z is equal to the 3 by 2, तो mod z is equal to the 3 by 2 का मतलब हो गया, क्वेश्चन समझ देखिए आपको हम समझा दे जरा, ये क्वेश्चन में ये कहा गया है, लिखा है इवैल्यूएट क्लोज इंटीग्रल सी जेड प्लस फाइव जेड प्लस सिक्स अपॉन जेड माइनस टू और मॉड जेड इज इक्वल टू दी थ्री बाई टू। तो देखिए लिखा है मॉड जेड इज इक्वल टू दी थ्री बाई टू, इसका मतलब क्या हुआ, ये सर्किल है, जैसे अभी बताया था मॉड जेड माइनस जीरो इज इक्वल टू दी आर, या मॉड जेड इज इक्वल टू दी आर है, तो इसका मतलब इसका सेंटर आपका क्या है, ओरिजिन है। तो मॉड z 3 बाई 2 का मतलब हो गया ये, 3 बाई 2 का मतलब हो गया ये, अब इसकी रेडियस क्या है 3 बाई 2 है, समझ में आया। अब ये तो ये हो गया है, अब यहां पे आइए
यहाँ पे इन्होंने कहा हैंस इवैल्यूएट मॉड जेड स्क्वायर प्लस 5z प्लस 6 अपॉन z माइनस 2, यानी अगर हम z के प्लेस पे 2 रख दे तो 2 माइनस 2 0 हो जाएगा और 1 अपॉन 0 क्या होता है, इंफिनिटी होता है, अनडिफाइंड हो जाएगा, ये चीज समझ, ठीक है। अगर z के प्लेस पे 2 रखे तो यहाँ पे ये जो वैल्यू है ये वैल्यू 3/2 है और 2 आपका यहां कहीं होगा बाहर, क्यों सर? यस सर z इज इक्वल टू 2 है, ये बाहर है, यानी z इसके प्लेस पे अगर 2 रखेंगे तब भी ये एनालिटिक फंक्शन रहेगा क्योंकि ये पॉइंट बाहर है, क्यों एनालिटिक फंक्शन रहेगा, तो इसका मतलब इसकी वैल्यू क्या हो गई, 0 हो गई। लिखा है वेयर व्हेन सी इज द सर्किल मॉड जेड इज इक्वल टू 3/2 द पॉइंट जेड इज इक्वल टू 2 लाइज आउटसाइड सी एज ए रिजल्ट एफ जेड इज एनालिटिक विद इन एंड ऑन सी हैज कॉची थ्योरम एप्लीकेबल दैट इज इसकी वैल्यू क्या हो गई, 0 हो गई। अब दूसरी चीज देखिए, लिखा है मॉड जेड इज इक्वल टू 3, तो मॉड जेड इज इक्वल टू 3 का मतलब हो गया ये है, तो जेड इज ये 3 रेडियस हो गई भाई, ये सर्किल की इक्वेशन क्या हो गया, 3 हो गई, लेकिन 2 आपका यहां पे कहीं है, क्यों? बोलिए। यस सर, अंदर होगा, अंदर होगा। अब z is equal to 2 अगर रखते हैं तो इसका मतलब 1 upon 0 इंफिनिटी हो जाएगा, ये पूरा fz ही तो है, z square plus 5z plus 6 upon z minus 2, z के प्लेस पे 2 रखेंगे तो 2 minus 2 0 या 1 upon 0 इंफिनिटी हो जाएगा, इन्फिनिटी का मतलब डज नॉट एग्जिस्ट, और डज नॉट एग्जिस्ट का मतलब हो गया फंक्शन एनालिटिक नहीं है। जब फंक्शन एनालिटिक नहीं है इसका मतलब ये हुआ कि इस केस में जेड स्क्वायर प्लस 5z प्लस 6 अपॉन z माइनस 2 जो है वो 0 नहीं होगा, लेकिन इस केस में क्लोज इंटीग्रल सी जेड स्क्वायर प्लस 5z प्लस 6 अपॉन z माइनस 2 ये 0 हो जाएगा, समझ गए हैं? सर फिर से बता दीजिए। देखिए दोनों मैंने सर्किल बनाए हैं, एक सर्किल है आपका मॉड जेड इज इक्वल 3/2 जिसकी रेडियस 3/2 है, एक सर्किल है मॉड जेड इज इक्वल टू 3 जिसकी रेडियस 3 है, सेंटर दोनों का ओरिजिन है, लेकिन यहाँ पे जो लोअर यानी डिनोमिनेटर में जेड माइनस 2 है, यानी जेड इज इक्वल 2 रखने पे क्या आता है, तो सबसे पहले ये देखेंगे जेड इज इक्वल 2 कहाँ पे है, तो इस केस में तो जेड 2 बाहर है लेकिन इस केस में अंदर है, तो यहाँ पे z की वैल्यू 2 रखने पे इस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा सर्किल के ऊपर, ये एनालिटिक फंक्शन ही रहेगा, ये इंफिनिटी नहीं हो रहा है, लेकिन यहाँ पे अंदर आ गया z इज 2 तो 2 रखने पे ये इंफिनिटी हो जाएगा, यानी डज नॉट एग्जिस्ट। जब डज नॉट एग्जिस्ट का मतलब ये है कि फंक्शन फिर एनालिटिक नहीं है, क्योंकि एनालिटिक के लिए कंटिन्यूअस और कंटिन्यूअस के लिए एग्जिस्टेंस होना चाहिए, तो ये एनालिटिक फंक्शन नहीं है, इसलिए इसकी वैल्यू 0 नहीं होगी और इसकी वैल्यू 0 होगी, तो वो चीज हमने इसमें ऐसे लिखा है। वो चीज हमने ऐसे लिखा है z mod z is equal to 3 है, the point z is equal to lies
inside C, so FZ is not analytic within C. Therefore, Cauchy's theorem is not applicable. यानी ये जीरो नहीं होगा. ऊपर और नीचे इसको हाँ सर ऊपर दिया गया है एक कंडीशन फिर नीचे दोनों में तुम्हारी बात समझ नहीं पा रहे क्या कह रहे हो. सारा खेल एनर्जेटिक और एनर्जेटिक पे नहीं है, सर्किल के ऊपर डिपेंड करता है. पहले ये पहले क्वेश्चन में दो पार्ट है, एक में आपका जीरो वैल्यू आती है, एक में जीरो नहीं वैल्यू आती है. तो जिसमें जीरो नहीं आती उसमें कोई वैल्यू आएगी, उसके लिए आगे एक मेथड है. इसी तरीके से दूसरा क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन में क्या है कि इवैल्यूएट क्लोज इंटीग्रल c 3z स्क्वायर प्लस 2 upon z minus 4 dz where c is the circle mod z is equal to the 3. So mod z is equal to the 3 yani function 3z square plus z upon z minus 4 is not analytic at z is equal to the 4. But z is equal to the 4 lies outside. Bahar hai. Jab bahar hai to koi fark hi nahi. Yani circle ke bahar wo point hai. Isliye इसका जो है वो जीरो हो जाएगा क्योंकि फंक्शन एनालिटिक हो गया है. जब फंक्शन एनालिटिक होगा तो जीरो होगा, जब फंक्शन एनालिटिक नहीं होगा तो नहीं जीरो होगा. सारा खेल सर्किल के ऊपर है और जो डिनोमिनेटर में जो जेड माइनस टू जेड माइनस ए वो है. अगर उसके प्लेस पे अगर जीरो आता है, अगर वो चीज बाहर है तो कोई फर्क नहीं, लेकिन अंदर है तो फर्क पड़ जाएगा. इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन ये क्वेश्चन देखिए, इस टाइप का भी एक न्यूमेरिकल करवाया है. लिखा है वेरीफाई कॉची थ्योरम. वो कॉची थ्योरम है क्या? क्लोज इंटीग्रल सी एफ जेड डी जेड इक्वल टू जीरो, ये कॉची थ्योरम है. इसको वेरीफाई करना है बाय इंटीग्रेटिंग ई की पावर आई जेड along the boundary of the triangle with the vertices at the points 1 plus i का मतलब 1, 1 minus 1 plus i यानी minus 1, 0 minus 1, 1 and minus 1, minus i यानी minus 1, minus 1. देखिए ये सर्किल बना हुआ है जिसका c1 c2 c3 कर्व है, तो वही लिखा है the boundary of the triangle c consists of three lines c1 c2 and c3, so I is equal to close integral c e की पावर i z dz. और इसको अलग अलग ब्रेक कर दिया है जिसमें i1 i2 i3 मान दिया है. तो एक एक का निकाल देंगे, पहले c1 का निकालेंगे फिर c2 फिर c3. तो देखिए c1 के लिए देखिए c1 में क्या है, x एक्सिस के पैरेलल है यानी y is equal to the 1. देखिए सब लिखा है सामने और जेड क्या है एक्सप्रेस आई वाई है,
हो जाएगा एक्स प्लस आई, और डीजेड क्या हो जाएगा, डीएक्स हो जाएगा। तो वेरिएशन किस में हो रहा है, ए से बी में, यानी आपका आई में हो रहा है, इसमें वेरिएशन हो रहा है एक्स में, एक्स की वैल्यू 1 से -1, तो हो गया है आपका 1 से -1, और e की पावर i, z क्या है x प्लस i, और dz क्या है dx, तो इसको सिंप्लीफाई कर लिया गया, i1 की वैल्यू आ गई है। इसी तरीके से c2 में भी है, c2 में क्या है x इज इक्वल टू -1 है, तो z जो हो जाएगा -1 प्लस iy, dz हो जाएगा आपका i dy। तो यहाँ पे आपका y वेरिएशन हुआ है, यानी 1 से -1, और ये वैल्यू एक दिन आ जाए। देखिए दोनों, देखिए कहीं कोई प्रॉब्लम है तो पूछिए। इसी तरीके से C3 क्या है, C3 है y is equal to dx, यानी dy is equal to dx, तो इसमें कोई भी वेरी करा लीजिए, चाहे x वेरी करा लीजिए, चाहे y का वेरी करा लीजिए, लेकिन x ही कर लीजिए, तो dz हो जाएगा dx plus i dx, y के प्लेस पे जब x रखेंगे। यहां तक समझ में आया है, तो आगे बताएं फिर। यस सर, अब सी थ्री के लिए क्या था, वाई इज इक्वल डी एक्स, तो डी वाई डी एक्स, तो जेड हो जाएगा एक्स प्लस आई डी वाई, जेड प्लस आई वाई, तो y के प्लस में x रख दिया है, तो dz हो गया i प्लस 1 dx, तो सबको x में चेंज कर दिया है, ये तीनों वैल्यू रख दिया है, और 0 आ गया, Cauchy प्रूफ हो गया है। इसी टाइप से ये है, आप होमवर्क में करिएगा इसको। कोई दिक्कत हो तो पूछिएगा, एक बात में आप ट्राई करिएगा। आप कॉपी में करिएगा।
ट्राई करिएगा, नहीं होगा तो आपको बताएंगे हम।